अब पक्का ही कुछ ना कुछ बोलेंगे देखना। एक तो थी मम्मी जी को टेंशन लगी ना, तू लगी ये पर से बोले मोटी। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? सो हे गाइस, दिस इज संजय चौहान, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों अभी सोकर उठा हूँ, नहा धोके फ्रेश हो गया हूँ और किचन आया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अभी करूंगा। हमारी माता श्री कराएंगे हमें ब्रेकफास्ट, मैं करवाऊंगी। और छोड़, आप क्यों लग रहे हैं ऐसे सो के उठे हैं, मुंह नहीं धोया आपने? मैं हूं तेरी तरह। लोग करते हैं कमेंट, आपकी मम्मी ऐसी चिड़चिड़ी क्यों रहती हैं हमेशा? मैं हूं ऐसी। मम्मी जी ऐसी नहीं है, अच्छा मूड होता है मम्मी जी का ज्यादातर। ये पर... करते हैं ना मेरा मूड खराब, पर मेरे दो बजे तक सोना, उठना नहीं, काम नहीं करना, तब होता मेरा मूड खराब। जब काम किया तब होता है मूड अच्छा। यहाँ देखो क्या क्या देख रहे होते हैं। मैंने बोला ना आपको ऑफलाइन ले लेना। नहीं ऑनलाइन पड़ती है सस्ती, मैंने लेनी ऑनलाइन। ये सस्ता ढूंढो बस, बढ़िया होनी चाहिए चीज। ये है बढ़िया, देख रही इससे बढ़िया क्या चाहिए। ये दिखती है फोटो में ऐसी बढ़िया, फोटो में दिखती है अच्छी, सामने नहीं अच्छी दिखती है। मेरे को अच्छी कौन समझाए यार, तेरे को पता है निर्मला बोल रही थी 25-25 सौ की है ये शोरूम में। किसने देने 2500? हाँ मैंने देने, मैं दूंगा आपको गिफ्ट 2500 की। 2500 दे मेरे को ना, मैं ले लूंगी खुद ही। ठीक है, ये भी लेने मैंने इसके साथ और भी लेने मैंने देख रखी इतनी चीजें। ठीक है, पर जब क्वालिटी खराब आएगी फिर मत बोलना मेरे को ऑनलाइन मंगा के। तेरे को थोड़ी बोलूंगी मैं, मेरी गलती होगी ना। मैं कितना भी काम कर लूं ना, नहीं तू करता है काम। मैंने कहा बोला नहीं करता है, जब नहीं किया तब बोला मैंने। हमेशा बोलती हैं आप, तू नहीं कोई काम करता चाहे मैं कितना भी काम करूं। करता है तू काम, चुप रह। मैंने नहीं बोला ऐसा। नहीं बोला आपने ऐसा? मैंने बोला जब काम नहीं करते हैं तब होता मूड खराब। अगर मैं आज बहुत ज्यादा काम करूंगा, मान लो मैंने लकड़ियां काटी, मैंने कपड़े धोए, आज तो याद रहेगा इनको, अगले दिन भूल जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं होता है। अब उठना मैंने बिज्जू को जाके, उन्हें उठ ही रहा है, सोया हुआ है, 2 बज गए उसको। दोस्तों मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, वो तो शुक्र है भगवान का कि मैं टाइमली उठ गया, वरना मैं भी मार खाता। तू रखता कुंडी लगा के नहीं खाए, तूने डेली भी वैसे। ये मेरी निंजा टेक्निक, कुंडी तो मैं हमेशा लगा के रखता हूँ। बोला सुबह उठाना मेरे को 10 बजे, बंदे ने स्विच ऑफ रखा हुआ जान बुझ के फोन। तू होता है डेली, जाओ जाओ मारो उसको, उठाओ उसको, जाओ चली उसको। शी इज अ डेंजरस पहाड़ी मॉम। टाइम देखो लोग पूछ रहे तेरी तबीयत के बारे में, अपडेट दे लोगों को। गाइस मैं अब ठीक हो चुका हूँ। हाँ मैं ठीक हो चुका हूँ, आप लोगों की दुआ से मैं ठीक हो चुका हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ की बना आप लोग ने। ये लगा ऐसे करने जैसे वो नहीं होते जब रिश्तेदार, जब बच्चे छोटे होते हैं फिर मम्मी जाती है रिश्तेदार से मिलने, मम्मी बोलती है बच्चे को बेटा नमस्ते करो, फिर करता हूँ नमस्ते, हाल चाल पूछो, फिर पूछता हूँ हाल चाल, वैसा इसका। ये सिखा के रखा है मुझे पहले से। हाँ मैं अब ठीक हो चुका हूँ गाइस, ब्रेकफास्ट हो गया है, अब बहुत हो गया, अब चलता हूँ मैं बाहर, थक गया मैं बैठे बैठे यहाँ पे। ओहो ब्रो गुड मॉर्निंग मैन, तू तो बाहर निकलते ही दिख गया, कैमरे के पास क्यों आ रहा है ऐसे, फिर बोलता है ना अकला, तेरा मूड क्यों लग रहा है खराब? हाँ मेरे को शक्ल देखा अभी मेरी, अरे बढ़िया लग रहा है तू। गाइज ये दूर दूर जा रहा है क्योंकि इसको लग रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है अभी। यहाँ देखो दोस्तों मौसम आज खराब है, भगवान करे कि बर्फ पड़ जाए यहाँ पे। मम्मी जी ने बोला है मेरे को लकड़ियाँ काटने को ना, क्योंकि लकड़ियाँ ख़त्म हो गई तंदूर में जलाने के लिए चाहिए, तो लकड़ियाँ काट लेता हूँ थोड़ी सी ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे को कहीं जाना भी है अभी, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में लकड़ियां काटने के बाद कि कहाँ जाना है मेरे को। दोस्तों लकड़ियां तो काट ली मैंने, पर मेरे को यहाँ पे लग गई लकड़ी से थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं लगी है पर दर्द हो रहा है। डेटॉल लगा लेता हूँ इसमें, माँ देखो ये क्या किया, लकड़ी काट रहा था। पूरे गेड़े में 2 बार मारे से दूसरे में कर दिया। ये करने जाता है लकड़ी काटने, क्या था लग गई।
थोड़ा सा डालो बस बूंद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे कहीं जाना है अभी, तो मुझे कहाँ जाना है वो बताने वाला हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को लेने, आज रास्ते तक वो मेरे घर आ रही है आज रहने के लिए। उसका नाम संजना है और ये नाम उसका मेरी मम्मी ने ही रखा था मेरे नाम के ऊपर, क्योंकि वो मेरे बाद पैदा हुई थी। जो मेरे पापा और चाचू है वो दो भाई है, पापा के बेटे ही बेटे हुए, और जो मेरे चाचू है उनका एक बेटा एक बेटी हुई, तो वो एक लौती बहन है। तो उसको लेने जा रहे हैं आधे रास्ते तक, वो थोड़ी डरपोक जैसी, उसको डर लगती है रास्ते में, तो चलते हैं। चल, इनको लकड़ी काटते हुए देख के मेरे को डर लग रहा है। तो दोस्तों हमारा प्लान कुछ ऐसा है, संजना यहाँ से आएगी जहाँ गुनू खड़ा हुआ है, तो बिजू भाई यहाँ पे छुपेगा, मैं वहाँ पे छुपूंगा और मैं डराऊंगा उसको, पर हमारा प्लान कर सकता है गुनू खराब, इसको पड़ेगा पकड़ के रखना अपने पास। जा तब गुनू, देख भाई छुप रहा है ये। गुनू चौक। दोस्तों यहाँ पे रुकने का प्लान थोड़ा कैंसिल हो गया क्योंकि गुन्नू आगे भाग गया है। गुन्नू को संजना देखेगी ना तो शक हो जाएगा उसको कि मैं यहाँ, थोड़ा आगे जाके छुपते हैं कहीं। ये इसकी बस वही कैसी तू, काली क्यों होगी तू, बहुत काली होगी तू, पर देख बिजू भाई हो गया गोरा तेरे से। तू ना, मैं था आगे ना तेरे से, तू था पीछे मेरे से, तब इसको नहीं लाना चाहिए था साथ इस गुन्नू को, वहां इसको देख के लग गया होना तेरे को, पता ही है। यार तभी मैं ऊपर से ही सोच रही कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ, सारा प्लान चौपट कर दिया। डर तो गई थी तू, और कसम से सच में मैं सच्ची बात बोलूं, मैं सबसे पहले डरी मैं ऊपर मैडम आते के बंद रहा कि ना। कैसा लग रहा है तेरे को अपने भाई संजय चौहान के ब्लॉग में पहली बार आके, प्राउड मोमेंट है ना तेरे लिए? हां बहुत ज्यादा। पूरी जनवरी की छुट्टियां थी, 20 तारीख को आ रही है तू, टाइम ही नहीं मिला मेरे को, आ जा रही हूं, बोलो ना आई, अच्छी बात है। छुट्टियां कब तक है? 30 तक। तब 30 तक अब तो यही है ना। अब क्या खिला पिला रहे हो, क्या खातिरदारी करी आप मेरी? हां बोल, कौन सी बोतल पीनी है? बोतल नहीं पीनी ना, संजय भाई बना के खिलाएंगे कुछ सादा लोकल खाना। लोकल खाना से डुबाएगी। हां छोटे में मारता था मैं इसको ना, उसके बाद रोना इसने जोर जोर से जब तक मम्मी जी नहीं आई। मम्मी जी मारती थी मेरे को, फिर हंसती थी ये, और वो हंसी होती थी पूरी डायन वाली भाई मेरी, तब देख के हंसती थी। हाँ मजा आया। इतने बड़े ये तेरे को पता है तेरा नाम किसके नाम पे रखा है? डेट ऑफ बर्थ संजय चौहान धवन। तो अगर भाई जी की बात हुई थी तब होता तेरा नाम अंजना, अगर बीजू भाई की बात होती तो बोला था नाम बाजे। और एक चीज़ ये अपने छोटे भाई से लड़के आई है निशु से, जो हमारे चाचू का बेटा है, जो मैंने बताया था आपको हमारा छोटा भाई है, उससे लड़के आई है, वो भी आना चाहता था यहाँ पे रहने के लिए, पर ये निकल गई आगे आगे। तो उसने क्या किया, उसने कर दिया अब इसका कॉन्टैक्ट ब्लॉक, ना इसके फोन उठा रहा है, अब आ रहा है वो वहां से, हमने खिड़की से देखा, रोड से दिख रहा है यही आ रहा है, अब आके लड़ेगा वो इससे। नहीं नहीं लड़ेगा, बात ही करेगा। खुश खुशी तो देखो पर एक तो थी मम्मी जी को टेंशन लगी ना, तू लगी है परे से बोले मोटी। वो आ रहा नारद, क्या हो गया तेरे को, नाराज क्यों है तू, कौन भाग गया मेरे से नाराज होने? हाँ किया था, किसने नहीं उठाया मेरे को, चल ब्लॉक किया है ना भाई का फोन, इतना उठाया इसका मतलब रुक रहे थे तेरे को, तुम्हें दोनों ब्लॉक है थोड़ी। मेरे को भी किया तूने ब्लॉक है? मेरे को क्यों किया तूने ब्लॉक? क्यों नहीं फोन कर रहा था मैं, मेरे को तो पता भी नहीं था तू आ रहा है। तू क्यों गई है इसको छोड़ के अकेले? देख क्या रही है अब लड़कियों को, तो तू खुद फोन करता है, हमारे फोन नहीं उठाता है तू है? लड़कियों को मैं आजकल फोन नहीं करता हूँ, आजकल मतलब पहले करता था तू है ना? नहीं करता था क्या कर रही है? इतने लंबे लंबे अंगूठे थे आपके, छी यार संजय भाई। यहाँ कर काम, दाल छांटनी के मम्मी जी के साथ। नहीं छांटनी, कभी दोबारा आई है ये, रेस्ट देखो नहीं इसको।
क्यों कुछ छाट रहे हैं आप? छाटो, मैंने बोला था इनको घर में क्या करती है? काम कोई काम नहीं करती है घर पे भी बोला कुछ नहीं करती है। तो दो बजे तो देख सकते हैं आप दो, ये लोग लड़ने लग गए। स्टार्ट होता है शरारती ऐसी ना, फिर जब मारता हूँ फिर बोलती है मम्मी मेरा ही मम्मी मत मार। मम्मी नहीं कुछ बोल ही रही है। मेरे को मत मार, इसकी शरारत नहीं दिख रही है। देखो चलिए दोस्तों, तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, टिल देन, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय। हाँ गुड।